हुआ सुरों में उस समय दारुण हाहाकार।
अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। बाजूठी शहनैया वध में, बाजूठी शहनैया वध में जन्मे रमैया। बाजूठी शहनैया अवध में जन्मे रमैया। देव गंधर्व हरि गुण गावे, भर भरंजुलिया पुष्प बरसावे, भगत नगाड़े मोरे भैया, भगत नगाड़े मोरे भैया। वध में बाजे शहनैया, बाजू ब्रह्मा महादेव शंकर भी आए, देख विष्णु बाल रूप अति हर्षाए, माता लेत भलैया। वध में बाजे शनैया, रामचंद्र।
ही सब काता तीन जने गुरु भी तू माता गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब काल विद्या सब आई अल्पकाल विद्या सब आई जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझे निशाचर देते हैं
पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सुनो राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सो मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, निप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। पितु का शिष्य प्राप्त कर गुरु से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर कटी तुणीर सुहाते हैं। दीन जानते ही निज पद दीन हा, आप रहे मक की रखवा मारित निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। पावक सरसुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर कटकु संहारा। अच्छा ये राजा ने मुनिराज, इस पत्र में क्या वृतांत लिखा है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने
अपनी गुणवंती सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी बुलाया है। उनका प्रण है जो शंभु चाप को चढ़ाएगा सीता को वही पाएगा। तब तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा महाराज। हाँ हाँ, बड़े समारोह का समागम होगा। तो क्या उसे देखने के लिए हम भी जा सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राजपुत्रों के लिए ही होने वाला है, हमें तो केवल देखने को बुलाया है। उपकार प्रभु। कुलभूषण उपकार करो, तुम दुख भंजन कहलाते हो, इसका भी दुख हरना होगा। तुम पार उतारन हारे हो, इसको भी पार करना होगा। संकोच तजो, आगे बढ़ो, चरणों को राम छुआओ तुम। इसको तो पल पल भारी है, क्यों व्यर्थ ही देर लगाओ तुम। गौतम नारी श्राप बस उपल देव धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघु। चरण से शिला को राघव ने तत्काल पद रज लगते ही हुई। गौतम अब संध्या का समय भी होने वाला है, इसलिए तुम दोनों जाओ और पूजा के लिए जनक वाटिका से कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सखियन के
हृदय सराहत बचनुनावा सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु सखी से आनी गावत गीत मनोहर बानी रंग भूमि जब सिए पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी
मैं समय बिल्कुल नहीं गवाती, मैं एकदम से धनुष उठाते हैरानी है मुझे कि ये लकड़ी का है ना कि ये इस बात का। चिल्ला चढ़ाता हूँ समान का। कर लेंगे चोक रे यदि हर एक काम को तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। ये ख्वाब खाई ख्याल को खबरदार चुप बैठा रहे हो बनासुर। इस दुनिया में बलवान नहीं, मैंने कैलाश उठाया था, क्या मूर्ख तुझे ये ज्ञान नहीं। ये छोटा सा धनुष है ही क्या, इसको मैं अवश्य तोड़ूंगा। तेरे जैसा अभिमानी का घमंड चकना चूर करूंगा। ए, दशाशीष करो ना रावण गुमान, इतना चढ़े ना तुमसे कमान भारी। मगर धनुष को प्रभु वो तोड़े जिन्होंने गौतम की नारी तारी। हाय अफसोस दुनिया
नजर आता नहीं हो तमालूम पहले से मुझको अगर मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं लखन कुटिल भय भोहे रद पट फरकत नयन रिसोहे जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुक वह ब्रह्मांड उठाऊं कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं जो जन सत प्रमाण ले थाऊं विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय बानी उठहु राम भंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा आज्ञा पा कर आपकी जाता हूँ महाराज आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे काम जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बदला उसको वरना चौपट कर डालूंगा जितना भी है पृथ्वी पे राज्य तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही
ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बेरी कसौ काम करे वो इस परसे का भोजन है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है साथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। राम रमापति कर धनु ले हूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहूं। देत चाप आपु ही चली गय हूं, परशुराम मन विसमय भय हूं। राम जय जय राम, thank you.
गूंज रही है प्रभु की जय जयकार, दसों दिशा में गूंज रही है प्रभु की जय जयकार। वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब विवाह किया था राजा ने? तेरा ही पुत्र निवृत्ति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। राम राम क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में,
रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणिवासों में। काम कर गई अंत में काकिन की भूका, लभी कांपने कह गई जगमग हुए विचार। होगा ये याद तुम्हें रानी, तो वर राजा पर थाती है, ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर तो काफी है। नृप जब अंतपुर में आए तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना तो वचन मांगती हूं राजा जी श्री भरत लाल जी हो, और 14 वर्षों को रामचंद्र तब से बनकर वनवासी हो। सुनो रानी, भूपति राम शपथ जब करही हाँ, उड़ती चिड़िया के पर काटू, उड़ती चिड़िया के पर काटू 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 मंत्रा मेरा नाम। गोप समाज साज सब सोई, जगमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। साज समय सानंद निकट किए, जनु धरि दे हम सनेहु। प्राण प्रिय, ये क्या बोलो तो, ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलीन रंग क्यों है। जिन नाखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वा बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। बार बार कह रहा हूं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। मांग मांग मैं कहूं पिए, कपहू न दे दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो, मैंने सीखा नहीं ना करना, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे ना बूंद, ये धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है।
क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है मुझको अब पुरुषों का विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अपला को मत बहलाओ। सच्चे हो यदि हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, झूठे हो हम ही दो सुजन दे, तुई के चार माँ की मुख ले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रजकण, कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। हिरण खेले महासागर, मिजल की मछलियां थल में, न फूलों में सुगंधित हो, न शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल ये सारे, वही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम, मेरा वो ही वचन होगा। कसम है राम की दशरथ नहीं, मिथ्या वचन होगा। लो सुनो प्राणपति, प्राणनाथ, वो धाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। रानी, ऋण जो की दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपत मत होना। क्षत्रिय नरेश कहते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। रानी, गया हूँ सहमी नहीं, कछु कहीं आवा। जानू सचार बन छपटे हुलावा, बीबरन भयाऊ निपट नर पार। रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। अए मुझे एक से राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। रानी, रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, राम मेरा। अवतेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें टिकाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। अब तो ही नीक लाग कर सोई,
होई निवार। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहू तनु धरी निठुराई। मन मुस्काई अनुकूल बात, मन अनुकूल बात। राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन गत सब दूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुनु भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेत सदा रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दे, सच कहते हैं मन की कहते हैं। है तिलक बहुत ही भार है, वो भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार है। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। लोचन ललिता
कही शरद चंदनी सी जैसे प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमद विधो लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठि धाए कप पुलक तन नयन सनीरा कहे चरण अति प्रेम मुझे जीवित रखा सुमन क्या करूं क्या बोलूं मैं कुछ तो बोलो सुमन क्या बोलूं मैं सुमन कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे जीऊंगा सुमन कैसे जीऊंगा वो फूल सी बच्ची जनक दुलारी उसके पिता को कौन सा मुंह दिखाएगा सुमन बताओ बताओ सुमन
लक्ष्मण दाता संग सिये चली लक्ष्मण दाता दशरथ नैनो से प्राची भयो मर गया नाथा
सुमंत ये उन्हीं अंधे माता पिता का श्राप है सुमंत, जो आज मुझे मेरे सामने मेरा इतिहास बता रहा है। यही श्राप तो दिया था कि सुत वियोग में मृत्यु होगी मेरी। वो देखो सुमंत, वो देखो, वो मेरा नाम चला रहा है, कितना छोटा सा है, उसको देखो सुमंत, ध्यान से कहीं गिर ना जाए। राम 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 राम, अभी कल ही की बात है सुमंत, मेरा राम मेरी गोद में था, कैसे कैसे अपनी छोटी छोटी सी लाते चलाता था मेरी गोद में सुमंत। देखो देखो देखो, उसे पकड़ लो सुमंत, देखो देखो वो भागा। राम 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 राम, नहीं मेरा अंत निकट आ गया, राम नहीं तो दशरथ में। सुमन सुमन सुमन, वो देखो कितना छोटा सा राम है, वो देखो बंदरवान सजाओ, मेरे राम का जन्म हुआ है। सुमन सुमन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ढोल नगाड़े बजवाओ, मेरे राम का जन्म है। अरे सुमन सुमन, देखो राम राम को पकड़ो सुमन, सुमन राम का जा रहा है। राम 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 राम, लगे
लागे मैया हमका। अरे गंगा तोरो नीर हो, गंगा तोरो नीर हो, सरजू तोर नीर, प्यारा लागे मैया हमका, प्यारा लागे मैया हमका। नाव लाओ और हमें गंगा पार लगाओ। महाराज, मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। आपके चरणों की रज में जीव डालने की कला है। अब बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धरी लगाते ही जड़ में चेतना आती है, उस जीवन मूर्ति के लगते ही। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो हमरी लकड़ी की नैया तो बस छूते ही छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्ही बताओ। तब अर्ज करी नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। प्रभु, अपना मेरा दोनों का ही यू काम बना लो राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वो रज धुलवा लो राजा जी। पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गया हूँ ले पार।
थाल भय सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुचय ही नहीं कछु दीन्हा यही अति सिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहेउ कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा ही कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। माँ, माँ, आज तुम कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर तो दो। हाँ हाँ, कह तो रही हूँ कि मैंने सारा काम बना छोड़ा, परंतु खेद है कि महाराज ने मंगल के समय ही दम तोड़ा। क्या पिताजी? भारत ही बिसरे उपितु मारा ना सूर
जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का वन जाना, ये कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से दो वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीन कर कौशल का राज्य राम को देने लगे तो मैंने मंत्रा के कहने से स्वअवसर जानकर महाराज से अपने वरदान मांग लिए। एक तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या हाय सर्वनाश। अच्छा अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ बेटा और निश्चिंत होकर राज्य का काम चलाओ। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। मोह में अंधी हो जाने वाली माता, दूर हो जा, दूर हो जा। एक काम बुरा किया तूने, जो मुख पर कालिमा पोती है। अरे कितने दिन जीना था जग में, दुनिया दारी धोती है। रघुकुल कुलंकनी हो तुम्ही, जो भाई को वनवास दिया, खो दिया सुहाग तुमने अपना, हमको है अनाथ किया। वर मांगते समय भला जीवाना तेरी चल गई, क्यों ना फटी छाती तेरी, कैसे जबान खुल गई। सौंपी नगर सूची सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो नहीं स्वामी, वो भरत भला किस्मत के हैं। लगता है पता प्रभु सुनिए, कुछ सैनिक संग उनके हैं। क्या क्या एक भरत ये आए हैं? यदि आवे भरत हजार यहाँ, है कसम प्रभु के चरणों की, सबका कर दू संहार यहाँ। चाहे शिव संग लड़े उनके, फिर भी मार गिराऊंगा। आया है वो जिस कारण से, उन सबका मजाक चखाऊंगा। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन भूतल परे लघु टेकी न
निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान कृपा भलाई आपनी नाथ कीन बल मोर दूषण से भूषण सरीस सुज सुचारु चहु सानुज पठई मोहि बन कीजिय सब ही सनाथ न तरु फेरियहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ न तरु जाहि बन तिनिय भाई बहुरिय सिय सहित रघुराई जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की करो अयोध्या तुम अब जाई आए हम भी लौट के सभी बहुरी समझा हे भरत उठो ना निराश हो जाओ और नगर की सेवा करो ये मेरी हार्दिक इच्छा है। हे नाथ आस पूरी कीजिए मैं आशा लेकर आया हूं अभिषेक आपका करने को तीर्थों का जल भी लाया अब आप ही नाथ बता दीजिए क्या करूं कहो इस पानी का कहो किस प्रकार अंत करूं इस दुख भरी सिद्ध खाने का प्रभु जो जल लाए साथ में तू खूब में डाल भरत खूब कहलाए वो ऐसे कर ही Let us see the good.
सिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई खग मृग वृंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छविलही शोभन बरनिन सकहि राजा जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा दादू
राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और कुछ समय के लिए वन में रहने आए हैं। ये सीता जी हैं, ये हमारी पत्नी हैं और ये लक्ष्मण हमारे छोटे भ्राता हैं। कहिए, आप कौन है? मैं लंकापति रावण की छोटी बहन हूँ। मेरे भाई खरदूषण का यही साम्राज्य है और मेरा नाम शूर्पणखा है। तो आप इस तरह भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं भटकती फिर रही हूँ पति की खोज में। मेरे योग्य वर आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का कार्य है। स्त्रियों को तो यूं अकेले घूमना ही ना चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं ना घूमती फिरती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर कहाँ मिलता मुझको? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तो जाने दो, तुम्हारे भाई क्या कम सुंदर हैं? छननननन बाजे पायलिया, छननननन बाजे पायलिया, मन को लुभाए भाए पायलिया, मन को लुभाए भाए पायलिया, छननननन बाजे पायलिया, छननननन बाजे। सागरे सानी सपदम अपगमरे सपनी सागरे सानी सपदम अपगमरे सागरे सागरे सानी नीद पगागरे सागपनी सा सागपनी सा सागपनी सा। बोलो के छेड़े मधुर तान, जियरा मिलागे जैसे बान, मधुर रस घोले बोले पायलिया, मधुर रस घोले बोले पायलिया, छन नन नन बाजे पायलिया, छन नन नन। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा,
लक्ष्मण अति लाखों सो नाग कान बिनु कीन ताके कर रावण कहां मनो चुनौती दी। जगत के हो महाराजा जयति जयति जय रावण राजा जयति जयति जय रावण राजा जयति जयति 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 जय रावण राजा जयति जयति जय रावण राजा। सरकारी पदा जयति जयति जय रावण राजा दिंतन नन 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 दिंतन पति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए अतुलित बल प्रताप दो भ्राता कुल बदरथ सुर मुनि सुख दाता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है ये युक्ति मुझे इस रण के कारण मिलनी है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे निश्चय ही वे अवतारी हैं दुर्वैर भाव ही रखूंगा इस जन का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मोक्ष नहीं है मोक्ष है लड़ना है नहीं मिलन है ये वो भी हो शर भी उनका हो तो भव सागर तरना है ये। हर दूषण मौसम बलवंता तीन मौर बीन फलवंता जन रन
हट करी हो प्रभु सरते भव सागर तरी हो। होए भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं साधु बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। देवन निकट दसानन गयहुं, तब मारिच कपट मृग भयहुं। अति विचित्र कछु करि न जाइ, कनक देह मनि रचित बनाइ।
का उल्लंघन कर जो कुटिया के अंदर आएगा, मैं आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देही अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहलाते भिक्षाम देही। समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देखी जान की हीना भय विकल जस प्राकृत दीना हे परागिद्ध पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नात दशानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही
ले दक्षिण दिशी गयूं गोसाई बिलपत अति कुररी की नाई। अबिरल भगती बांगीबर गिद्ध गयूं हरिधाम देही की क्रिया जथोचित निज कर की नीरा निज कर की नीरा निज कर की नीरा। कह रहा हूं कसम खाकर धन की मान की वीरता की धीरता की धर्म की सम्मान की आन है रघुवंत की सौगंध खुल के मान कारण बनेगी दुष्ट तेरे दान की।
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार लक्ष्मण ने ले तो लिया चबरी का मीठा बेर किंतु गुप्त रख राम से कर तो डाला यह कार्य मगर मन में खटका बना रहा अंतर्यामी की आंखों से ये भेद भला कहाँ छुपा रहा कह रघुपति सुनो भामी भगति करनाता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोई कैसा बिनु जल बारिद देखी जैसा Oh.
बताओ। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहू बनवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। सुनहु दीज हम रघुवंश कुमारा विधि का लेखन मेटन हारा कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई यहाँ हरिनी चर बैते ही खोजत विपिन फिरही हम ते ही। मेरे राम मेरे राम जय जय 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 राम। जब सुग्रीव राम कहूं देखा अतिशय जन्म धन्य करी लेखा सादर मिले उनाई पद माथा एक हुवनुज सहित रघुनाथा। से मेरा अंग अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे प्रभु। हे सखा मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दू दोनों भाई भाई हैं यदि मिलते हैं तो मिलने दू इतने पर भी बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था तुम दोनों एक रूप हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा अब ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे ये तुम पर कवच समान रहे और उसको मृत्यु का ध्यान रहे। ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा भगवान किंतु इस बार देखते न रहिएगा नहीं तो मेरा जीवित रहना असंभव है। नहीं सखा तुम चिंता ना करो निश्चिंत होकर जाओ। जैसा क्या प्रभु। बाली ओ बाली
अबे वो कायर कहाँ छुप के बैठा है, निकल बाहर, आ युद्ध कर मुझसे। बालिक, अरे सो गया क्या है? आ आ मुझसे युद्ध कर। तू फिर आ गया है? आ, इस बार तू जीवित नहीं बचेगा। आ, देखते हैं कौन जीवित नहीं रहेगा। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ आ बातें ना बना। कन्या समचारी इनही कुदृष्टि विलोकै जोई ताहि बधे कुछ पाप न हो। Thank you.
हाँ पवन सुत हृदय विचार राम काजु सुग्रीव विसारा निकट जाई चरण ही रावा चारिहु विधि तेटी कही सम अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू सबसे पीछे नत मस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन मुस्काए हनुमत पास बैठा कर हनुमत को प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोह राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो श्रीलंका तह रह रावण सहज शंका तह अशोक उपवन जहां रही सीता बैठी सोच रत अहई कहई रिच्छपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे हू बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बजरंगबली है महाबली बजरंगबली है महाबली तुम अंजनी के लाल हो महाशक्ति रूप प्रवाल हो काल भीषण काल हो दुष्टों के तुम महाकाल हो Thank you.
सर रावण तहां आवा, संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करम पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रिन धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। कृत अपमाना, कटि हूं तव सिर कठिन कृपाना। कहसि सकल निसचरिन बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गए। सपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं बिलंब रघु अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक चोहु। अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा,
लागी देख सुंदर फल रूखा। जाके बल लव लेस ते जिते हु चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाए सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि बिनय बहुता नीति विरोध न मारिए दूता। सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करी पठाइए बंदर। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहू लगाई। पावक चरत देखी हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता। निभुकि चढ़े कपि कनक अटारी
लची मन मन भावा राम बचन सुनी अति दुख पावा नाथ दैव कर कवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मन रोसा सुनत बिहसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुनि तट दर्भ डसाई Thank you.
जलधि जड़ गए तीनी दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखों बारिधि बिसिख क्रसानु। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्हके परस किए गिर भारे तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर। सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। जोश रो जोश रो। यह सुनते ही कप सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। बिगड़ ऐसे पत्थर चून लाते बातों बातों में। जो श्रो जो जो श्रो। ले ले कर नाम राम जी का नन्ही लुटाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों का जल पर कर जाते पत्थर। जोश रो जो जोश रो जोश रो जो जोश रो। Thank you.
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंदी चरण उर धरी प्रभु चले सब ही सिरुनाई, प्रभु प्रताप और सहज साका रन बांकुरा बालिस सूत बंका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिला के दानव देव की
सरकार को अपने चरणों में झुकाकर स्वर्ग को आकाश को हाथ से मानव के मैं पहुंचूंगा अपने नाश को। लंका के वीरों, आप लोगों को ज्ञात ही है कि उन तपस्वियों ने समुद्र पर सेतु बांध सेना को पार उतार लिया है। इसलिए अब सोचना ये है कि युद्ध की व्यवस्था कैसी हो। मंत्रियों और सभासदों, सोचो विचारो और कहो संसार में किसका राज है। लंकेश रावण का। देवता गंधर्व और दैत्यों का कौन महाराज है। लंकेश रावण। शिव ब्रह्मा विष्णु का कौन सरताज है। जय श्री राम। ओहो, इतना अभिमान, इतना अहंकार और इतनी ढिठाई, कौन अंधे इस कदर तुम मोह के जाल में। एक दिन पड़ना पड़ेगा काल ही के गाल में। बनरे, दृश्य मुख मंडल पे होगी मूर्धनी छाए हुई, शान होगी वक्त के पैरों में ठुकराई हुई। कौन है तू? तू है कौन, वानर या मानव संतान? देख मुझे और पहचान। ओ ओ, निडर वानर, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया कि निर्भय होकर दरबार में चला आया। सच बता, तू है कौन है? महाराज राधाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सूत बालीराज वानर का हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम मुनि पुलिस के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्राज देवताओं को जीत लिया है, किंतु वेदों को ज्ञाता होकर ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लाए जान की माता, नहीं अच्छा किया, पाप के पद पर चले, जो कुछ किया बेजा किया। अबे चुप, मूर्ख, सोच कर नहीं बोलता, अमृत के पात्र में विष घोलता है। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, जिससे वह खाता है नभमंडल, वो योद्धा मैं ही हूँ। अच्छा, पूछता है जिसको भूमंडल, वो प्रतिमा मैं ही हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास है जिसके तनुज दानव, वो राजा मैं ही हूँ। चांद तारे व्योम और पृथ्वी मनाते हैं मुझे, जल पवन अग्नि वरुण यम सिर झुकाते हैं मुझे। अरे नी कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से हो गया? तेरे जैसा कपूत पैदा होते ही ना मर गया।
अंगद तहि बाली कर बालक उपजेहु बस अनल कुल घालक गर्भन गयउ व्यर्थ तुम जायहु निगमुख तापस दूत कहायहु। ओहो हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीश अंदौ भी धीरन उसकाई नयन कान तब भी। अरे क्या रावण का सामना करना बच्चों की बात है, हैं? जरा ये तो बतला कि तेरी सेना में कौन सा योद्धा है जिसको देखो वही कमजोर और बोधा है, राम है, है, है। सो स्त्री के वियोग ने दुखी बनाया है और लक्ष्मण को भाई के संताप निखाया है। तो और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे वीरों के सामने कहां ठहरने वाले हो, है? विभीषण जन्म से डरपोक है, जामवंत का बुढ़ापे का शोक है, नल नील की हम गिनती नहीं मानते क्योंकि वे शिल्प के सिवा और कुछ नहीं जानते, परंतु हाँ वो वानर अवश्य है जो यहां पहले आया था और जिसने अक्षय कुमार को मार कर लंका को जलाया था। परंतु जब समय आएगा तो उसे भी देखा जाएगा। ध्यान में लाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को मैं, कीट भूंगे जानता हूं वानरी सेना को मैं। कायरों सब काल का भोजन हो मेरे सामने, मैं हूं अग्नि और तुम ईंधन हो मेरे सामने। प्रभु के प्रति अपशब्द ये बोला जब दश भाल, भव की अंगत हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वार। असुरों के गुर्द गाता है, ये तेरा धोखा है छल है, अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। यह कह कर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पाँव जमाते हैं, जो सुनो राज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पाँव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो, तब गरज बाली सुत बोल उठे वो आ जाए जिसमें बल हो। अब तो खलबल मच गई उठे सभी प्रणधान, छपट झूठ बड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। सेनापति उठो और इस बानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को न मिलेगी जगह इसको कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति में आ जाएगी कुल शक्ति जमाने के, संभल जा अब मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को। अब तुम जाओ। तो आज्ञा महाराज।
मैं अपनी वीरता का आपको जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, ये पांव कैसे उठाता हूँ। आज्ञा हो तो इसके पैर के टुकड़े बनाता हूँ। सावधान हो अरे कायर, मैं तेरी ओर आता हूँ। तुम जाओ। जो आज्ञा महाराज। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्त बाजू में, जमी अनुवास बा का वजन कर दो एक तराजू में। बेटा इंद्रजीत। जी पिताजी। उठो, अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस समय जमी पर, उस जगह भूचाल लाएगा। समी तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, ये क्या मेरी ताप लाएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंखें मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो क्या थी, उतनी समी को भी हिला दूंगा। तब तो नशकंदर आप उठा, बीसो हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, बगराम दूत ने हटा लिया। लंकेश रुको, बस क्या होगा, मेरे पैर पकड़कर मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है। ऐलान है, ऐलान है।
मेरे राम मेरे राम मेरे राम हे राम हे राम हे राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। रावण ने जब यह सुना गए लखन लाल जी जाग बोला लंकापुरी के सोए अब तो भाग। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधी भांति उपाय कर कैसे जगाए वी दिन 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 टक्कर कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे आता था। कहते हैं छह मासों में वह बस एक रोज ही जगता था। We'll be right back.
सुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका, बोलेगा छल की छाती पर कब तक ना सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। ठीक है लक्ष्मण, यदि तुमने प्रण ही ठान लिया है तो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि शत्रु पर विजय पाओ। यदि आपका आशीर्वाद साथ है तो फिर विजय लक्ष्मण के हाथ है। इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी अब के प्राण गवाएगा। मैं वो सागर हूं बड़ा अगर तो प्रलय का लुबड़ाएगा, वो ज्वालामुखी शैल हूं फूटा तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुक जाता है, मैना जो मैना करती है सबके मन को भाती है, बकरी जो मैमे करती है वो गले छुरी फिरवाती है। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक ना चाहती है। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकलती जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, वो तांत जिसकी समय हाथों में धुनने वाले
लेके आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। से जीतने का निश्चय किया है। ओ, तुम्हें कामक देवी का वरदान है कि तुम हनुमान के अतिरिक्त और किसी से ना मारे जाओगे, इसलिए प्रातःकाल संग्राम में चले जाओ और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठिकाने लगा। इससे तो अच्छा है कि मैं रात्रि में ही दोनों को चुरा ले जाऊं और देवी की भेंट चढ़ाऊं, जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए और कामद देवी भी संतुष्ट हो जाए। ये तो और भी अच्छा है, आओ मेरे गले लगाओ।
अति शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी का भी पता नहीं है? बस मैं समझ गया। क्या समझ गए? प्रभु को पाताल का राजा अहिरावण हर ले गया है। तो ऐसा महान कार्य तो हनुमान जी के सिवा कौन कर सकता है? हाँ हाँ, मैं ही जाऊंगा और 14 भुवन 3 लोकों में प्रभु जहां भी होंगे वहीं से खोज कर लाऊंगा। जय केसरी नंदन। लो, मैं चाहता हूं आप लोग सावधान रहना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री कौन है जो ऐसे निडर होकर नगर में घुसा जा रहा है? हाँ? तू कौन है जो मेरे मार्ग में रोड़ा अटका रहा है? जानता नहीं, मैं पवन सुत हनुमान का पुत्र हूँ। हाँ? हनुमान का पुत्र? क्या बकता है, तेरा नाम क्या है? मकरध्वज। अरे मूर्ख, ऐसे खोटे वचन क्यों बोलता है? मेरे तो सपने में भी पुत्र नहीं हुआ, मुझे तो कभी काम भी नहीं व्यापा। तो क्या आप ही हनुमान हैं पिताजी? हाँ, मैं ही पवन सुत हनुमान हूँ, मगर
तूने ऐसी झूठी बात किस लिए गढ़ी है? झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, जिससे सुना आप लंका को जलाकर समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए आ रहे थे, तो उस समय आपके शरीर से पसीना टपक कर समुद्र में गिर गया और उसे एक मछली ने निगल लिया। अच्छा। बस उसी से गर्भ से मैंने जन्म पाया और फिर अहिरावण की सेवा के लिए पाताल लोक चला आया। यहाँ काम क्या करता है तू? मैं नगर के द्वार पर पहरा देता हूँ। अच्छा अच्छा पुत्र, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। क्या तू बतला सकता है कि इस समय अहिरावण कहाँ मिलेगा? महाराज, जैसे उनके यहाँ कामत देवी के बलिदान देने की तैयारी हो रही है और इस समय वे होम कर रहे हैं। अच्छा, तो सामने से हट जा और मुझे नगर में प्रवेश करने दे। नहीं पिताजी, मकर ध्वज अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। हाँ। और मेरे होते हुए तो नगर में आप पैर भी नहीं रख सकते। अच्छा, तब तो बड़ी मजबूरी है, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हे पुत्र, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए फिर चेतावनी देता हूँ। देख, हट जा, हमें बहुत जरूरी कार्य से जाना है। अगर आपको जाना है तो मुझे युद्ध कीजिए, मुझे हराइए और तभी आप इस द्वार के भीतर जा पाएंगे। ठीक है पुत्र, तो आ। अब यही बंधा पड़ा रहे। चलो, बहुत समय नष्ट हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
चलिए प्रभु चलिए, अब कोई संकट नहीं है।
मेरे राम मेरे राम मेरे राम, हे राम हे राम हे राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम।